ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब ठंडा ठंडा? देखा गुरु, ठंडी तो हो मगर यही ठंड का आनंद लेने तो आदमी शिमला, कुल्लू, मनाली और जाने कहां कहां जाता है। तो जब यही आनंद अपने बनारस में मिल रहा है तो फिर बड़ी जाड़ा लगत हो। ये कहकर ठंड का मजा किरकिरा मत कीजिए। उठिए, बिस्तर छोड़िए, देखिए घना कोहरा, एकदम जैसे लग रहा है कि बर्फ की बारिश हो रही है। तो मुंह से निकलता धुआं एकदम अलग ही एहसास करा रहा है। तो इस निखालिस ठंड का मजा लीजिए और बढ़ा लीजिए अपने रेडियो मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर वन शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर वन रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके बनारसी बाबू यानी आशुतोष के साथ। भाई आज सुबह स्टूडियो आने से पहले जब मैं मंदिर गया था तो वहाँ भी सब बहुत ठंडा ठंडा था। गिने चुने भक्त थे, शांति से सारी व्यवस्था पूजा पाठ चल रहा था। वैसे तो जब भी आप शिव मंदिर में जाइए वहाँ की शांति बड़ी अच्छी होती है, वहाँ की शांति में बड़ी अनुभूति होती है। तभी मैंने सोचा कि भाई बाबा के दरबार में इतनी विषमताएं हैं, जैसे कि अब देख लीजिए, बाबा की सवारी बैल है, माता रानी का वाहन शेर है, गणेश जी का वाहन चूहा है, कार्तिकेय की सवारी मोर और स्वयं भोलेनाथ गले में भयंकर सांप लपेट कर बैठे हैं। अगर जरा सा भी ढील पड़े तो बैल को शेर खा जाए, चूहे को सांप निगल जाए, खुद सांप को मोर खा जाए, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा है बाबा भोले का प्रताप। तो जब बाबा के शहर में हम सब रहते हैं, अलग अलग धर्म, जाति, प्रांत, भाषा भाषी लोग, तो हम में भी ऐसा ही सामंजस्य, ऐसी ही एकता बनी रहनी चाहिए जो दुनिया के लिए मिसाल हो। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि अपने बनारस की गंगा जमुनी तहजीब हमेशा से प्रेम और भाईचारे का संदेश देती रही है। अब जबकि नया वर्ष आरंभ हो चुका है तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसे ही प्रेम और सद्भाव से इस वर्ष को भी यादगार बनाएंगे और अपने जीवन के उत्कर्ष को पाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। पाट न पाया मीठा पानी, पाट न पाया मीठा पानी और छोर की दूरी रे, मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे, कस्तूरी रे, जगदस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे, मन कस्तूरी रे, जगदस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे। गंध न पावे चादर का पैबंध न पावे, खोजे अपनी गंध न पावे चादर का पैबंध न पावे, बिखरे बिखरे छंद सटहले दोहों में ये बंध न पावे, नाचे हो के फिर की लट्टू,
रात हुई ना पूरी रे, मन कस्तूरी रे, जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे। भाई ठंडी की बातें तो बहुत हो गई, ठंड के मजे लेने की भी बात हो गई, पर ठंड के मजे तो तभी लेंगे ना जब इससे बच के रहेंगे और अपने परिवार को बचा के रखेंगे। तो इस ठंडी में कैसे रखें अपना ख्याल और किन बातों से आप रहेंगे सुरक्षित, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। तो आइए सुनते हैं कि सर क्या बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस, मैं बनारसी बाबू इस गुड मॉर्निंग बनारस के प्रस्तुत करता और बनारस के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार प्रेषित करता हूं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालय बेलूपुर वाराणसी। श्रोताओं, मैं आप सबके लिए, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूं, तो इस समय जो देख रहा हूं कि ठंड का मौसम है और ठंड ही नहीं शीतलहरी का मौसम चल रहा है और इस समय बच्चे, बुजुर्ग और जवान तीनों जो है ठंड की चपेट में आ रहे हैं और विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग वो ज्यादा ही इसकी चपेट में आ रहे हैं और भांत भांत की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो मैं विशेषकर अभी बच्चों के लिए पहले बोलूं तो मैं उनकी माताओं को ये विशेष हिदायत देना चाहूंगा कि वो बच्चे को, खासकर अगर नवजात बच्चा है तो उसकी विशेष ध्यान रखें। एक कंगारू टेक्निक होती है, जो नवजात बच्चे हैं उनको अपने पास अपने सीने से चिपका के रखें और एक कपड़ा मोटा पहनाने की तुलना में अच्छा है कि उसको दो तीन चार पतले पतले कपड़ों से रैप करें, क्योंकि वो जो पतले पतले कपड़े बीच में रहेंगे उसके बीच में जो है एयर रहेगी, वो ठंड को आगे नहीं उसमें जाने देती है। कान को भी, उसके पैर को भी पूरा ढक के रखें और कमरे को थोड़ा गर्म में रखें, दरवाजे खिड़की थोड़ा बंद रखें। एक चीज विशेष ध्यान रखें, कमरे में कोई अंगीठी जला के नहीं छोड़े, क्योंकि अंगीठी जलने से इस तरीके से और दरवाजे बंद रहने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, काफी डेंजरस हो जाता है, कभी कई बार अभी घातक भी हो जाता है। दूसरी बात, ठंड में एकदम से बाहर निकलने से बचें, पानी जो है वो गुनगुना ही इस्तेमाल करें। विशेषकर आपके घरों में जो है अजवाइन है, अजवाइन का सत या अजवाइन चाय में अगर डाल के इस तरीके से बार बार लेते तो अच्छा है। इस समय क्या हो रहा है कि बहुत तेल घी खा के भी लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है, तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखें, जो भी खाए ताजा खाए, सुपाच्य खाए और मौसम के हिसाब से गर्म ही खाए। उसके अलावा मैं बड़े बुजुर्गों को ये विशेष का हिदायत देना चाहूंगा या उनके साथ वालों को ये कहना चाहूंगा कि उनका विशेष, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनके साथ क्या होता है कि इस एज में ठंड से उनके बीपी बढ़ जाने का, आप लोगों ने श्रोताओं सुना होगा कि लकवा मार जाना होता क्या है, बीपी इस कंडीशन में शूट बहुत तेजी से ऊपर कर जाता है और वो दवा अगर रेगुलर नहीं खा रहे और अपना सही से चेकअप नहीं करा रहे और ठंड के एक्सपोजर में आते हैं तो उनका बीपी बहुत ज्यादा ऊपर जाता है और उसकी वजह से उनके ब्रेन में नसें फट जाती है और उनको एक तरफ का लकवा मार जाता है। इसलिए बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, उनको दो तीन चार कपड़े जो है पहना के रखें, ओढ़ने के लिए भी उनको गर्म व्यवस्था पूरी दी जाए। खान पान में जो अभी मैंने बताया, गर्म चीजें उनको बार बार दे, सूप है घर में, जूस है, ये बार बार आप उनको बना के दे और उसके साथ साथ उनके नियमित उनका चेकअप कराते रहे, उनका बीपी उनको रेगुलर चेकअप कराते रहे, उनको रेगुलर दवाइयां देते रहे। और मैं उनको विशेष, अपने युवाओं को विशेष हिदायत दूंगा कि ये देखते क्या रहूं, आज की पीढ़ी बाहर जाती है तो बिल्कुल एकदम कान वान खोल के एकदम से ऐसे मस्ती करती है, ठीक है आपकी उम्र है मस्ती करने की, लेकिन कम से कम ये है कि बाहर जब जाए तो कान से काफी हवा अंदर जाती है और वो गले में और कान में और पूरा इस तरीके से सोर थ्रोट वाली बड़ी कंडीशन आ जाती है, तो उससे बचने के लिए आप कान ढक के और गर्म कपड़े पहन के विंडशीटर वगैरह डाल के अगर बाइक वगैरह चलाते तो जाए। रही बात होम्योपैथी की, अपने घर में सबसे पहले अगर ठंड से आपको एक्सपोजर हो रहा है तो एक दवा आती है इकोनाइट 200, मैं दवा का नाम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इकोनाइट 200, तो उस दवा को अपने घर में रखिए। जैसे ही जरा सा भी ठंड का एक्सपोजर आपको लगा कि आपको जरा सा भी ठंड की शुरुआत हुई, छींक हुई, जुकाम हुई, गला जरा सा भी पकड़ा, तुरंत इकोनाइट 200 की चार गोली या तीन से चार बूंद, आधे आधे घंटे दो तीन खुराक ले सकते हैं और दिन भर में तीन से चार बार तक खुराक ले सकते हैं, दो तीन दिन ऐसे लेंगे, आपकी काफी प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा आर्सेनिक, बेलाडोना, हिपरसल, ब्राइनिया, ये तीन चार दवाइयां हमारे यहाँ बड़े कॉमन है, इनको आप अपने घर में रख सकते हैं, जो सर्दी जुकाम बुखार की इस तरीके की प्रॉब्लम आने पे आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं अपने बनारसी बाबू और श्रोताओं को, अभी आकाशवाणी वाराणसी से कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ था नव वर्ष की पूर्व संध्या पे,
अलविदा 2022, उस कार्यक्रम को मैंने सुना और उस कार्यक्रम की अद्भुत प्रस्तुति हमारे प्रस्तुतकर्ता आशुतोष शास्त्री जी एवं कीर्ति जी ने किया था। उस प्रोग्राम को सुना, एकदम हृदय को छू लिया। और इस कार्यक्रम के जो संयोजन करता थे वो आकाशवाणी के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी श्री राजेश गौतम जी थे। और उस कार्यक्रम ने मतलब आकाशवाणी को एक नई ऊंचाई प्रदान की और हम जैसे श्रोताओं को बहुत कुछ उसने ज्ञान दिया। तो मैं अपने तहे दिल से पूरी आकाशवाणी की टीम को इसके लिए धन्यवाद प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाते रहेंगे और हम श्रोताओं का मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वर्धन होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। अभी आप सुन रहे थे नगर के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही हमारे कार्यक्रम को आपने इतने ध्यान से सुना, आपको अच्छा लगा, ये हमारे लिए निश्चित ही उत्साहवर्धक है। इसके लिए भी हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब आइए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है आज का मोहल्ला। और हमारा आज का मोहल्ला है जैतपुरा। जैतपुरा मोहल्ला जो है वो लोहटिया चौराहे से आप जब उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो आगे यह मोहल्ला पड़ता है। और मोहल्ले की पूर्वी सीमा पर आगागंज और प्याले गढ़ा के मोहल्ले हैं और दक्षिणी सीमा पर गोपाल मंदिर का गोपाल बाग और गोपालगंज बाड़ा है। जैतपुरा मोहल्ले के बागेश्वरी देवी मैदान और आसपास के क्षेत्रों को काशी खंडोक्त सिद्धकूट नामक स्थल तीर्थ के रूप में पहचाना गया है। इतिहासकार पंडित कुबेरनाथ शुक्ल जी ने लिखा है कि अवसानगंज के बगीचे का जो ऊंचा पठार है और जो बागेश्वरी देवी तक चला गया है, यही सिद्धकूट है। यहाँ पर हर प्रकार के मंत्रों की सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती थी, इसीलिए प्राचीन काल में यहाँ बहुत सारे तपस्वी रहा करते थे और नाना प्रकार की तपश्चर्या करते हुए समीप के ही सिद्धेश्वर महादेव की उपासना में लीन रहते थे। यहाँ एक सिद्धवाणी होने का उल्लेख भी प्राप्त होता है, लेकिन अब फिलहाल वह विलुप्त है। अब यहाँ तपस्वी तो नहीं रहते, लेकिन हाँ पास में ही सिद्धेश्वर महादेव है और सिद्धेश्वर महादेव के साथ ही साथ ज्वर हरेश्वर महादेव की पूजा अर्चना भी यहाँ की जाती है। जैतपुरा वार्ड से बागेश्वरी देवी मंदिर की ओर गली में जाते समय बीच में दक्षिण दिशा में भगवान ज्वर हरेश्वर का मंदिर है। इसमें सिद्धेश्वर महादेव के साथ ही साथ त्रिखंडी महादेव, अंगभंगीश्वर महादेव, मकेश्वर महादेव, शीतला जी और विपत्ति हरण संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। मंदिर परिसर में कुआं और व्यायामशाला भी है। यहाँ समय समय पर रुद्री और हवन पूजा इत्यादि होते रहते हैं। वाणी की अधिष्ठात्री देवी बागेश्वरी जी का परम पावन स्थान जैतपुरा में ही है। बागेश्वरी देवी का मंदिर दो तल्लों में है। ऊपर के तले में स्कंद माता दुर्गा जी हैं, जिनका वर्ष के दोनों नवरात्रों में पंचमी तिथि को दर्शन पूजन होता है। पुराणों का अगर हम अनुशीलन करें तो कृत्यकल्प तरु के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि काशी में कुल 9 दुर्गा पीठ थे जिनकी वार्षिक यात्रा होती थी, लेकिन ये दुर्गा पीठ कहाँ कहाँ थे इसका विवरण प्राप्त नहीं होता। काशी में 9 चंडी पीठों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिनमें से महामुंडा चंडी के रूप में बागेश्वरी देवी को मान्यता प्राप्त है। आपकी प्रतिमा उपरोक्त बागेश्वरी मंदिर में ही निचले तले की कोठरी में है। यहीं पर महामुंडेश्वर महादेव भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि महामुंडेश्वर शिवलिंग के सामने एक कुआं था जिसमें स्नान करते समय शिवजी की मुंडमाला उसमें गिर जाने से इस शिवलिंग का नामकरण हुआ। तो भैया यह था हमारा आज का मोहल्ला जैतपुरा। और अब आइए करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। श्रोताओं, आज ही के दिन वर्ष 2010 में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेशानुसार शेयर बाजारों के खुलने का समय 10 बजे से एक घंटा पहले सुबह 9 बजे कर दिया गया था। आज है सुप्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार गोपाल दास नीरज, हिंदी और उड़िया भाषा के विद्वान लोचन प्रसाद पांडेय, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप कुमार और अभिनेत्री निरूपा रॉय और भारतीय महिला निशानेबाज अपूर्वी चंदेला का जन्मदिन। साथ ही आज है पुण्यतिथि अनाथ बच्चों के लिए कार्य करने वाली महाराष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्त्री सिंधुताई सपकाल, हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन और सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां की।
उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान के सितार वादन की अलग शैली थी जिसे जाफर खानी बाज कहा जाता है। इसमें मिजराव का काम कम और बाएं हाथ का काम ज्यादा होता है। शास्त्रीय संगीत को आपके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा आपको पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, आर डी बर्मन साहब पर हम और भी बातें करेंगे 8:45 पर कार्यक्रम मधुरिमा में। आइए उसके पहले आपको सुनवाते हैं उस्ताद हलीम जाफर खां और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का सितार और शहनाई का युगल वादन। ये अंश हमने लिया है फिल्म गूंज उठी शहनाई से। और आइए अब करते हैं बातें आज कल की। तो आपको बता दें कि आज है विश्व ब्रेल दिवस, जो कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्मदिन 4 जनवरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते। ऐसे लोगों के लिए ब्रेल लिपि किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल को हमारा शतश नमन। और अब बातें अपने शहर बनारस की। या गुड मॉर्निंग बनारस में आज कई सारी गुड न्यूज हैं, और पहला गुड न्यूज ये है कि नए वर्ष में वाराणसी नगर निगम प्रशासन शहरवासियों के लिए नई व्यवस्था लेके आया है, जिसके अंतर्गत आप अपना गृह कर जिस तरह जमा करते हैं उसी तरह यूजर्स चार्ज भी जमा कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत एम पास के जरिए कल नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने अपना यूजर्स चार्ज जमा करके किया। दूसरी गुड न्यूज ये कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मंच कला संकाय के नृत्य विभाग के 6 छात्र छात्राओं के समूह कलाकृति का चयन 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए किया गया है। तो वही आप सभी छात्र छात्राओं के साथ ही यह बनारस और बनारस वालों के लिए भी गौरव का विषय है, इसकी हम सबको बहुत बहुत बधाई। और एक और गुड न्यूज ये कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत राशन की दुकानों पर अब खाद्यान्न पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा। वाराणसी जिले के 6,14,431 उपभोक्ताओं को जनवरी से दिसंबर 2023 तक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि सभी कोटेदारों को राशन की दुकानों पर लगे रेट लिस्ट के आगे शून्य कर देने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो ये थी भैया गुड मॉर्निंग बनारस की गुड न्यूज। और अब बातें मौसम की। तो आपको बता दें कि कोहरा और बदली का यह दौर भी जारी रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसी के साथ अब बनारसी बाबू के चलने का वक्त हो रहा है। 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। तो भैया मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।